सब्सक्राइब कर देना। क्या बात है आज तो। हाँ? तो साले का अरे सारे बेटे क्या हुआ? माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। सीधे सीधे बता क्या काम है? वेकेशन पे जाना है। प्लीज प्लीज प्लीज। वाह क्या सीन है। कब जाना है? आज। टिकट्स कहाँ है तेरी? ऑन पैकिंग पर चार्ट इसके साथ रही है। बहुत बुरे लगे। तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। और ट्रैवलिंग किट वो क्या होता है? हाँ? तो यहाँ जीतू की मम्मी ने बताया कि जब भी आप ट्रैवल करो ना तो अपने साथ ये पूरा डब्बा लेकर नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे पाउचेस लेकर जाने चाहिए। और ये बॉडी लोशन दिख रहा ना छोटा सा, सिर्फ 10 रुपए का लिया था मैंने। और ये वैसलीन 5 रुपए की। तो ऐसे छोटे छोटे सामान लेकर जाओ, जगह भी कम घेरेगा और यूज भी हो जाएगा। चलो पहला हैक तो हो गया, अब आगे बढ़े। क्या बादल है। जेट 420 में आप सभी का स्वागत है। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया करके कुर्सी की पेटी बांध लें। और अगर आपको कभी लगे ऑक्सीजन लेने में कमी महसूस हो रही हो तो खिड़की खोलें और सांस ले लें। अच्छा। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो ऊपर का लाल बटन दबाएं और लाल परी हाजिर। How may I help you? कुछ नहीं, बस बचपन से ख्वाहिश थी ऐसे बटन दबा के एयर होस्टेस बुलाने की। अच्छा। क्यों रो रहा है? इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए ये वाला हैक कर लेती हूँ। ढक्कन को जब भी बंद करो ना उसके ऊपर पॉलिथीन लगा कर बंद करना, इससे लीकेज नहीं होगी। और आपको ये ध्यान भी होगा कि जब भी हम स्कूल जाते थे तो अपने लंच बॉक्स पॉलिथीन में पैक करके ले जाते थे ताकि तेल बैग में ना लगे, है ना? तो बस वही सेम ट्रिक है यहाँ भी। हाँ? कहाँ घूमने जाना है आज? हाँ? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। रेडी तो ऐसे हुई जैसे पेरिस आई हो घूमने। पहले मार्केट से आगे के ट्रिप के लिए सामान ले आऊं। वो ना ब्लू वाला टूथब्रश खराब हो गया तो वो नया ले आना। ब्लू टूथब्रश वो तो मेरा था। तो बहन सेम ब्रश मैं नहीं यूज कर सकती क्या? नहीं, वैसे मैंने वो एक हफ्ते से यूज नहीं किया है। शुक्र है क्योंकि मैंने कमोड के किनारे से साफ किए थे। कमोड के किनारे से साफ किए थे। ये स्केच तो सिर्फ हंसाने का बहाना था, पर कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रैवल पे जाओ या मार्केट जाओ ना तो ये सारा सामान जरूर कैरी करना, जैसे कि पी सेफ, सैनिटाइजर, इनो, गैस वैस बन गई तो पैड, ग्लव्स, एक्स्ट्रा मास्क और दवाइयाँ, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास हमेशा होनी ही चाहिए। शायद कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? Oh, no! अकॉर्डिंग पहनने चाहिए, ना कि बस शो ऑफ करने। यार मैंने तो वो तो तू कभी भी पहन सकती थी ना, अब कर ली ना ट्रिप खराब। तो गाइस कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होकर जाओ। जैसे आप पहाड़ पर जा रहे हो तो ग्रिप वाले शूज, जॉगर्स, टी शर्ट, ट्रैक सूट या फिर जिम वेयर लेकर जाओ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ट्रैकिंग के लिए। अगली बार से ध्यान रखूंगी पक्का। चल अब कॉफी पी। वेकेशन पे आए ना तो यूट्यूब शॉर्ट्स बना लेते हैं रील वर्सेस रियल चैनल के लिए, आप भी देखना, लिंक दे दी है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एक काम करते हैं, ऐसी हेयर स्टाइल बनाते हैं जो इस सिचुएशन में जल्दी भी बन जाए और लुक भी अच्छा आए। हाँ? हेयर स्टाइल का तो लड़कियों को कभी भी समझ नहीं आता। 3-4 दिनों के लिए कहीं चले जाए ना तो इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि पूछो ही मत। तो अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 दिन के लिए ये 4 हेयर स्टाइल यूज करना। सिर्फ फर्स्ट डे सिंपल से बाल ओपन करो और आगे से 2 फ्लिक्स निकालो। फ्लिक्स से बहुत अच्छा लुक आता है। सेकेंड डे जैसे हम पोनी करते ना, उसी तरह हाफ बाल लो और हाफ पोनी कर लो। थर्ड डे सारे बालों को लेकर एक हाई पोनी कर लो। फोर्थ डे आते आते बाल हमारे थोड़े ऑयली से लगने लगते हैं, इसलिए मैसी बंद कर लो। पता भी नहीं चलेगा कि बाल ऑयली हो रहे हैं या गंदे हो रहे हैं, क्योंकि जूड़े में तो कुछ पता ही नहीं चलता। और इन हेयर स्टाइल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शैम्पू करने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या लगा के रखा है तूने? यार वो टैनिंग से बचने के लिए पहले बॉडी लोशन लगाया, फिर तेल लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाया और स्किन ग्रीसी हो गई। गर्मी हो या सर्दी, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, क्रीम्स, ये सब तो हमें लगाना ही पड़ता है बॉडी पे। इन वजह से बॉडी इतनी ज्यादा चिपचिपी हो जाती है कि पूछो ही मत। इसीलिए आगे से जब भी आप सनस्क्रीन लगाओ तो उसको बॉडी लोशन में मिक्स करके लगाना। इससे बॉडी पे ज्यादा लेयर्स नहीं आएंगी और बॉडी चिपचिपी भी नहीं होगी।